नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस VSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। CID के अधिकारियों ने शीतलकुची में घटना का किया पुनर्निर्माण। 10 अप्रैल को मतदान के दिन CISF की फायरिंग में 4 लोगों की हुई थी मौत। 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दिन कूचबिहार के शीतलकुची में CISF की फायरिंग में 4 लोगों की मौत की घटना की जांच कर रहे CID अधिकारियों ने सोमवार को शीतलकुची के उस बूथ पर घटना का पुनर्निर्माण किया। DIG CID स्पेशल कल्याण मुखर्जी के नेतृत्व में सोमवार सुबह पूरी घटना का पूर्ण निर्माण किया गया। इसके साथ ही घटना के वक्त वहां मौजूद कई लोगों से पूछताछ भी की गई। जानकारी के अनुसार पूछताछ के लिए नूर मोहम्मद हुसैन, मुर्तजा मियां, सफीउद्दीन मियां और लाबू हुसैन नामक व्यक्ति को माथाभंगा थाने लाया गया। भूमि सुधार विभाग के एक अधिकारी की मदद से CID के अधिकारियों ने उस स्थान का भी मुआयना किया जहां गोली लगने के बाद शव पड़े थे। शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 126 अर्थात जोरापाट की ग्राम पंचायत क्षेत्र के आमताली SS के केंद्र पर करीब 2 घंटे तक घटना के पूर्ण निर्माण का काम चलता रहा। इस दौरान SS के सेंटर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। CID अधिकारियों के अलावा माथाभंगा महकुमा पुलिस अधिकारी सुरजीत मंडल, माथाभंगा थाने के IC विश्वेश्वराय सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बाद में DIG CID कल्याण मुखर्जी ने पत्रकारों से कहा, घटना वाले दिन यानी 10 अप्रैल को वास्तव में क्या हुआ था इसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम आज शीतलकुची पहुंचकर पूरी घटना का पूर्ण निर्माण किया। उन्होंने कहा, जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा। मुखर्जी ने संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा, यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें वापस बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि 10 अप्रैल को चौथे दौर के मतदान के दौरान राज्य के 44 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए जिसमें कूचबिहार के 9 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल थे। मतदान के दिन शीतलकुची विधानसभा के बूथ संख्या 126 में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो जाने से पूरे राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया था। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माथाभंगा पहुंचकर पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की और घटना की CID जांच का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने सत्ता में लौटने के बाद घटना की जांच CID ने शुरू कर दी थी। इसके पहले कूचबिहार जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक देवशीष धर सहित कई पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया। आरोपी केंद्रीय बल के जवानों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वे पेश नहीं हुए। ঘটনা কি ঘটেছিল সেটা সরেজমিনে দেখতে এখানকার যারা সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে এবং ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে আজকে আমরা এসেছি। কতদূর এগুলো স্যার চলছে কাজ দেখতে পাচ্ছেন? আমরা কিছুক্ষণ ধরে করেছি, কিছু ছবি ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে। এখানকার যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি, আরও কিছুক্ষণ লাগবে। স্যার যারা হচ্ছে এর আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী দাবি করেছিল যে হামলার জেরেই ওরা গুলি চালিয়েছে, তো এখানকার যারা আমরা যে IO ছিল এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, এই ঘটনাটা যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আমরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত যারা যারা আছেন সবার সঙ্গে কথা বলছি। প্রত্যেকটি দিক কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখছি এবং যা পাচ্ছি সেটা জানে, যেটা একটা তদন্তের জায়গায়। এই তদন্তের সাক্ষী এক্ষুনি আমরা সে ব্যাপারে কিছু বলছি, তবে সব দিক খতিয়ে আমরা দেখছি এবং সমস্ত কিছু দেখে বোঝার চেষ্টা করছি সেদিন কী হয়েছে। লকডাউন কে দুসরে দিন সিলিগুড়ি মে পুলিশ নেই सख्ती बरतते हुए निर्धारित समय के बाद बाजार हाट बंद करवा दिया। लॉकडाउन में सरकार ने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार हाट व दुकान पाट खोलने की इजाजत दी है।
हालांकि सिलीगुड़ी में 10 बजे के बाद भी कुछ दुकानें खुली हुई थी और कुछ लोग बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही पुलिस ने शहर के दार्जिलिंग मोड़, एयरव्यू मोड़, वेनस मोड़, जलपाई मोड़ समेत अन्य मुख्य मार्गों में अभियान चलाया। रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक, एक व्यक्ति को किया जख्मी। सिलीगुड़ी के चंपासरी में समरनगर इलाके में सोमवार सुबह एक तेंदुए के देखे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह इलाके के एक व्यक्ति घर की सफाई करने के बाद कचरे को घर के पास झाड़ी में फेंकने गया, तभी झाड़ी में छिपे एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में वह आदमी जख्मी हो गया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आते देख तेंदुआ वहां से भाग निकला और पास के घर में जा घुसा। इस बीच रिहायशी इलाके में तेंदुए के पाए जाने की खबर मिलते ही वन कर्मी मौके पर पहुंचकर तेंदुए की खोज शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को कब्जे में लेकर उसे अपने साथ ले गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी समरनगर इलाके के मिलन मोड़ में कुएं में गिरने से एक तेंदुए की मौत हो गई थी। बार बार इलाके में तेंदुए घुस आने से आतंकित लोगों ने वन विभाग से इलाके में कड़ी निगरानी करने की मांग की। बाघ चिता बाघ एक दीदी गई दिया से ठीक से आसार पर दो जन भाड़ाटिया छिलो माँ बाबा और मिये भात खाते छिलो एरकम मार से पूरा रक्त रक्त कर दीछे एक जन के तो घायल कर आससे ओदिगे दिए ठीक से प्रचुर अवस्था खराब ओरा एखन हॉस्पिटल गेसे एटा आपने 12 बजे बजनी ये 11 बजे हुआ ये घटना नहीं नहीं सुबह 11 बजे उसका बाद ये 11 बजे हुआ है तो मैं पिताजी उसका बेटी और पिताजी को ले गया हॉस्पिटल तारा एक पुलिस डिपार्टमेंट आसे नहीं गेसे प्रचुर एक घंटा दुई घंटा हो गए एक बाड़ीते दुखे हमार नाम आतिकुर रहमान। वो रिपोर्ट यहाँ से आया, उधर से आने के बाद वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी था उसको काटने के बाद फिर इधर पे ये घर है, ये घर का यहाँ पे आया। आने के बाद वहाँ पे भी 2 आदमी को घायल कर दिया। मैं उसको देखा वहाँ पे पूरा खून से एकदम लथपथ हो गया था, तो इसीलिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन आके अभी उनको लेके गया है। घायल अभी 3 आदमी का घायल कर दिया, एक वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी को किया और यहाँ पे एक लेडी और एक उसका फादर को। ये घटना आपका कम से कम 12:30 का होगा। ये शायद आया होगा खाने के लिए, कुछ नहीं होगा, जंगल पे नहीं मिला होगा और इसीलिए आया होगा शहर पे। अभी खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा इसीलिए जंगल पे आया होगा मुर्गी उर्गी खाने के लिए, उसी हिसाब से घर पे डूब गया शायद। सकाल बेला हम तो मैंने घर पीछे मैं 10:30 समय हल्ला चिल्ला होते मैंने पास हल्ला करते और हमारे बाड़ी हल्ला करते बाड़ी लोक हमारे डाक एदी आसे एदी आसे मैंने मैंने बाघ आससे यम बलो तरह आस देखी एखे हमारे मीचे तला मैंने भाड़ा थके लोक ओके जिज्ञास करना जिज्ञास कर बोलते चिता बाघ आससे एखे बोलते सकाल 10:00 समय छिड़ी देखिए देखिए तो मैंने भितरे बाघ रही है मैं तरह एकदम सरकार ये मैंने क्लैसिकल गेट बंद कर लम বন্ধ করে তারপরে আমি বাউন্ডারি থেকে মানে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে গেলাম। আমরা দেখেছি মানে এখন থেকে ধরুন 3.5 ঘন্টার আগে একটা চিতা প্রায় 14-12 থেকে 14 ফিট লম্বা হবে চিতা বাঘটা আমাদের শিশু উদ্যানের ওখানে একটা 60 ঊর্ধ্ব বয়স্ক ভদ্রলোককে মাথা মুড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় প্রচণ্ডভাবে ইঞ্জিওর ওনাকে হসপিটাল নেওয়া হয়েছে, বাঁচবেন কিনা আমরা বলতে পারবো না। ওখান থেকে আসার পরে আমাদের প্রতিবেশী একটা বাসায় ঢোকে, সেখানে 18-19 বছর বয়সী একটা মেয়েরকে চোখে থাপা মারে। ওখান থেকে থাপা মারার পর আমার ফ্লোরের আমাদের ফ্ল্যাটের বাউন্ডারি ওয়াল টপকে আমাদের সিঁড়িঘরে বোধে ঢুকে যায়। ডিসিপি নে পুলিশ অধিকারীও কে সাথ চালায়া জাগরুকতা অভিযান। লকডাউন তোড়নে ওয়ালো কে খিলাফ কি কারওয়াই। লকডাউন কে দুসরে দিন সোমবার কো সিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কে ডিসিপি জয় টুন্ডু, সিলিগুড়ি থানে কে আইসি सुदीप चौधरी के साथ सिलीगुड़ी की सड़कों पर घूमते नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने आज निर्धारित समय के बाद खुले दुकानों को बंद कराया, वहीं बेवजह और बिना मास्क पहने सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही इन पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कोरोना महामारी की गंभीरता से अवगत कराते हुए स्वस्थ नियमों का पालन करने का अनुरोध किया।
और निर्देश दिया कि अगर कोई स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709-9709-81। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
वैक्सीन नहीं मिलने से निराश होकर लौटे लोक परिवहन कर्मियों को दिया गया टीका। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पहली खुराक और दूसरी खुराक लेने आए कई लोग वैक्सीन नहीं मिलने से निराश होकर लौटे। हालांकि कई स्थानों में परिवहन कर्मियों को पहली खुराक दी जा रही है, पर दूसरी खुराक लेने आए लोग बिना वैक्सीन के खाली हाथ लौट रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले के कामखगुड़ी अस्पताल में सोमवार को वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। कालचीनी प्रखंड के लाताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में कोविड वैक्सीन नहीं दी जा रही है। सोमवार को लाताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में कई लोग वैक्सीन के लिए पहुंचे थे, पर अस्पताल में लगे नोटिस देखकर निराश होकर चले गए। दूसरी ओर कई लोग जयगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीन नहीं मिलने से काफी संख्या में लोग मायूस होकर लौट गए। गौरतलब है कि आज कालचीनी पंचायत समिति के सभागार में परिवहन कर्मियों और फेरी वालों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। इसके साथ ही अलीपुरद्वार दो नंबर ब्लॉक के यशोडंगा ग्रामीण अस्पताल में परिवहन कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। देखिए, मैं तो पोस्ट ऑफिस का ड्यूटी भी करता हूँ, ये एरिया में मेरा ड्यूटी है, तो मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ और वैक्सीन का जानकारी भी ले रहा हूँ कि वैक्सीन हम लोग को कब चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो लेने के बाद में एक दिन तो छुट्टी लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये भी पता लगा रहा हूँ। तो मैं आज भी पूछा, पूछने के बाद इन्होंने कहा जे अभी फर्स्ट डोज जो है वो उसका ही चल रहा है, सेकेंड डोज 84 दिन में, और सेकेंड डोज का तो अभी नया डोज। मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ मालदा में तृणमूल समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीबीआई द्वारा सोमवार को नारदा मामले में राज्य के परिवहन मंत्री फराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पूरे राज्य के साथ साथ मालदा में भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मालदा जिले के चांचल में नेताजी चौराहे पर तृणमूल समर्थकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल विधायक निहार रंजन घोष समेत काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस अवसर पर विधायक निहार रंजन घोष ने कहा कि टीएमसी समर्थक सीबीआई द्वारा मंत्रियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन चलेगा। গণতান্ত্রিক ভাবে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যারা সৈনিক রয়েছেন বা মন্ত্রিসভার সদস্য রয়েছেন, কোনো আইন না মেনে হঠাৎ তাদেরকে অ্যারেস্ট করে তাদের উপরে যে মানসিক একটা চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে দিল্লির বিজেপি সরকার, যে আইনে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেই আইনেই বিজেপিরও অনেক সদস্য রয়েছে, তাদেরকে কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়নি। আইন আইনের পথেই চলা উচিত। तृणमूल मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल समर्थकों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, फूंका पीएम मोदी का पुतला। सीबीआई द्वारा राज्य के दो मंत्रियों और विधायकों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को तृणमूल और युवा तृणमूल कर्मियों ने कूचबिहार के देनहाटा में जमकर प्रदर्शन किया। तृणमूल समर्थकों ने आज शहर के ओल्ड बस स्टैंड में मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना भी दिया। इसके साथ ही उग्र तृणमूल समर्थकों ने दिनहाटा के ओल्ड बस स्टैंड इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी नेता असीम नंदी, साबिर शाह चौधरी, दिलीप रॉय समेत अन्य नेताओं व काफी संख्या में समर्थकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, तृणमूल नेताओं ने मंत्रियों की गिरफ्तारी को सीबीआई की साजिश करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी तृणमूल कर्मियों ने राज्यपाल को भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल नेता असीम नंदी ने कहा सीबीआई ने अनैतिक तरीके से तृणमूल के दो मंत्रियों और विधायकों को आज सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ राज्यभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज के कोलकाता भोर 6টার দিকে আমাদের তৃণমূলের দুইজন মন্ত্রী, এমএলএ এবং আরেকজন সুবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ওদের সিবিআই অ্যারেস্ট করেছে। কিন্তু সিবিআই যাতে রিপোর্ট আমাদের কাছে যা রিপোর্ট আছে, সিবিআই সাপ্তাহিক অবধি কোনো অ্যারেস্ট করতে পারবে না, সেটা অনৈতিকভাবে অ্যারেস্ট করেছে। তার জন্য আমরা সমস্ত জেলার সাথে, রাজ্যের সাথে,
আমরা সবাই মিলে এর ধিক্কার জানাচ্ছি এবং রাজ্যপালের পদত্যাগ দাবি করছি। सिक्किम में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन हुआ शुरू। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार के द्वारा आज से यानी 17 मई से 24 मई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और आज लॉकडाउन का पहला दिन राज्य की सड़कों में गाड़ियां नदारद रही। लोगों भी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। राज्य में जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर आज से एक सप्ताह के लिए सब कुछ लॉक रहे। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।